हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू दिस चैनल। इट्स मी अंकुर। तो आज हम भाई अनबॉक्स करेंगे हमारी नई सैमसंग वॉशिंग मशीन, जो कि टॉप लोड है और फुल्ली ऑटोमेटिक है, 5-स्टार रेटिंग के साथ भी आती है और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी है। दैट मींस लेस पावर कंजम्पशन, बहुत कम पावर लेगी और शोर भी बिल्कुल कम करेगी। साथ में मैंने मंगा लिया है ये सब ताम झाम, लिक्विड डिटर्जेंट वॉश एंड टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए हमारा सर्फ एक्सेल मैटिक एंड प्लस इन एडिशन दैट इज कंफर्ट। दैट मींस आई वुड बी रिजेंबलिंग लाइक अ फूलों का बाग। ओके, चलिए जल्दी से हम अनबॉक्स करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अब ये बात आती है कि भाई मैंने सैमसंग वॉशिंग मशीन ही क्यों ली। पिछले 7 साल से मैं सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन यूज कर रहा हूं, जो कि यू नो उसका बहुत ज्यादा हैरेसमेंट भी होता है, पर आज भी 7 साल बाद भी कंस्टेंटली बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है। तो क्यों मानू भाई। अब देखिए मेरे अंदर पावर आ गई है, अब इसको हम जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। आउच, 30 kg की है भाई, बाय द वे कुछ ऐसी खास। बहुत इजी है वॉशिंग मशीन को अनबॉक्स करके इंस्टॉल करना। वैसे सैमसंग की तरफ से ही इंजीनियर विजिट करता है, दैट कुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, पर हमें इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं है भाई, हम तो अपने आप ही काम चला लेंगे। वी आर वेरी मच यूज टू डू दैट। हो हो हो, आउच, होल्ड ऑन अ सेक मैन, I'm really feeling like a Samsung. Ooh. Okay, तो चलिए बाकी की भी, ये हो गया हमारा। Ouch. 30 kg. Yes. Cool. Yes. काफी कॉम्पैक्ट लग रही है देखने में, इजीली आप सरका सकते हैं इसको। ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमको। राइट, ओके, इसमें कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा रेड मैश, जो ये सबसे नीचे अभी हम लगाएंगे इसको, इससे क्या कहते हैं उसको, छिपकली, यस, और चूहे वगैरह वगैरह इसके अंदर नीचे से नहीं जाएंगे। हालांकि ना मेरे यहाँ चूहे हैं ना छिपकली है, बट इट्स ऑल राइट। ये हो गया हमारा यूजुअल मैनुअल, यूजुअल मैनुअल तो मैं अपने आप में हूं, तो इट्स ऑल राइट। ओके, इनलेट हाउस, ओके, जिससे मशीन में पानी जाएगा, और ये हो गया आउटलेट। राइट, ओके, तो चलिए जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं भाई, निहार लेते हैं। आउच, कोई स्क्रैच तो नहीं है। आउच, हमारे यूजर मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है कि हमें किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये देखिए पहला पेज इंस्टॉलेशन का, ये है जो मेरे से खुला है, नहीं नहीं नहीं, 1, 2, 3, 4, ये सब कुछ इसमें है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन को जल्दी से। राइट, ओके फ्रेंड्स, तो इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा राइट
ओके फाइन. तो चलिए रेड मैश को ही हम लगा लेते हैं. बहुत इजी है इसको लगाना. हल्का सा अपनी मशीन को क्रॉच, हल्की है नो प्रॉब्लम. अब बारी आती है आउटलेट लगाने की. ओके ये भी बहुत इजी है. हालांकि सैमसंग ने छोटा सा दिया हमें, बट हम इससे ही काम चला लेंगे. सिंपली हमको ये देखो, दैट्स इट. बहुत सिंपल है. ओके ये प्लास्टिक है. अब फाइनली हमारी मशीन काम करने के लिए रेडी है. बस इसको टैब में जोड़ देना है, राइट. ये है देखिए पावर ऑन ऑफ का बटन. दैट मींस ये इस वक्त पावर ऑफ हो चुकी है. इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है. बस थोड़ा सा हमें इसके फीचर्स को समझना पड़ेगा. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें 9 अलग अलग वॉशिंग साइकल्स दिए गए हैं जो प्रीसेट हैं, और ये सब 2-3 बार यूज करने के बाद हमको याद हो जाते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. अब इसे देखते हैं हम. काफ़ी टफ है, इसके लिए स्क्रैच नहीं पड़ते हैं. हमारी पहली मशीन भी बहुत सही चल रही है. देखिए ये है हमारा डिटर्जेंट का, राइट. यहाँ पर आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं. उसके बाद और अब चलते हैं और इसमें देखते हैं. ये आप देख रहे हैं, यस. इससे जो है गूगल टेक्नोलॉजी की वजह से कपड़े जो हैं उलझते नहीं हैं. फ्रेंड्स तो हमारी मशीन ऑलमोस्ट यू नो रेडी है टू स्टार्ट फंक्शनिंग. तो चलिए ओके फाइन. चलिए मैं अपनी जींस भी धो लेता हूँ. 1 ओके मेरे सॉक्स फाइन. अब होता है मेन टास्क शुरू. भाई कपड़े तो हमने डाल दिए हैं, अब डिटर्जेंट भी जरूरी है. ओके काफी रहेगा. फाइनली फाइन. डिटर्जेंट भी हो चुका है. ओके ये अलग अलग जो साइकल्स हैं वॉशिंग साइकल्स, मुझे चाहिएगा. जैसे मैंने सपोज जीन्स डाली है, 2, 3, 4, 5 जीन्स पे चला गया मैं यहाँ से और सिंपली स्टार्ट. गुड ओके शोर तो काफी कम कर रही है. दैट इज सो इम्प्रेसिव. अगर इन फ्यूचर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो हम उसको खुद ही ढूंढ सकते हैं. इस मशीन में एक सबसे यूनिक फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट चेक. ये ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पे भी या फिर एप्पल में भी. और ये एरर को यहाँ पे सपोज एरर आएगा, उसको स्कैन करके आपको बता देगा कि कोई क्या प्रॉब्लम है. सपोज़ कभी कभी बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है, इनलेट होज में या फिर ड्रेनिंग में ब्लॉकेज हो जाती है, या फिर ये लिड
ठीक से बंद नहीं होता है तो यहाँ एरर डिस्प्ले करेगा। और ये जो स्मार्ट चेक का ऐप है ये इजीली ट्रबल शूट करके हमें बता देगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। बहुत इजी है इसको यूज करना। आई एम वेरी मच हैप्पी नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू सो मच। रिमेंबर दैट। पीस आउट। Thank you. Oh my goodness, it happens.